माई सेल्फ बाला मैम फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. एंड डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास वी हैव डन कैपेसिटी रिलेटेड क्वेश्चन, नाउ वी डू मनी रिलेटेड क्वेश्चन. एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडिया की करेंसी क्या है? तो क्या है बेटा? रुपी. रुपी है वो इंडिया की करेंसी है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ रुपी? जो रुपीज़ हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं, या हम बोल सकते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो एक तो होता है रे को, हमने रे लिख के हिंदी में हमने इसको कट करना है, और एक होता है आरएस. ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ मैनी पैसे इन वन रुपीज़? वन रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? तो कितने होते बेटा? 100 पैसे. व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ पैसे? पैसे का सिंबल क्या है, या हम बोल सकते हैं पैसे को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पी से डिनोट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिटन ऑन ए नोट? जो एक नोट होता है, जो हमारे पास कागज़ वाले नोट होते हैं, एक होते हैं कॉइन, तो जो कागज़ वाले नोट होते हैं उस पर कितने लैंग्वेज में लिखा होता है, मतलब कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो उसमें कितना लिखा होता है बेटा? 17 लैंग्वेजेस. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, इन विच डिफरेंट फॉर्म मनी इज अवेलेबल? जो हमारे पास मनी है वो कितने फॉर्म में अवेलेबल है, जो हम उनको यूज़ करते हैं उसमें कितनी टाइप्स हैं उसकी? तो हमारे पास है बेटा 2 टाइप्स, नोट्स और कॉइन. एक तो हमारे पास नोट्स होते हैं और एक हमारे पास सिक्के होते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन्थ इज, व्हाट इज़ द बिगर यूनिट ऑफ मनी? जो मनी की होती है वो सबसे बड़ी यूनिट क्या है? तो क्या है बेटा? रुपी. एंड व्हाट इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ मनी? और स्मॉलर यूनिट क्या है मनी की? पैसे. ओके, नाउ वी रिवाइज अवर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडिया की करेंसी क्या है? तो क्या है बेटा? रुपीज. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ रुपीज? रुपीज का सिंबल क्या है, या उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, कैसे लिखते हैं उसको? हम हिंदी में रे लिख के उसको कट कर देते हैं, लाइन बीच से लाइन और आर एस. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ मैनी पैसे इन वन रुपीज? वन रुपीज में कितने पैसे होते हैं? तो कितने होते बेटा? 100. फोर्थ इज, व्हाट इज द सिंबल ऑफ पैसे? पैसे का सिंबल क्या है? पी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिटन ऑन ए नोट? एक नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है बेटा, 17 लैंग्वेजेस. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, इन विच डिफरेंट फॉर्म मनी इज अवेलेबल? कितनी फॉर्म में मनी अवेलेबल होती है? दो फॉर्म में होती है, एक तो होते हैं नोट्स और एक होते हैं कॉइन. क्वेश्चन नंबर सेवन इज, व्हाट इज द बिगर यूनिट ऑफ मनी? मनी की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? रुपीज. एंड व्हाट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मनी? और छोटी यूनिट क्या है? पैसे. ओके स्टूडेंट, ये आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, इनको रिवाइज करना है. थैंक यू. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल. आज हम कर रहे हैं हिंदी के बेसिक टॉपिक, जिसको हम आधारभूत प्रश्न कहते हैं. आज हम उसमें करेंगे क्रिया. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया कहते किसे हैं. तो इसका आंसर है, जो शब्द किसी काम का करना या होना बताए उन्हें क्रिया कहते हैं. मतलब कोई भी काम जो हम कर रहे हैं या जो हो रहा है वो क्रिया होती है. जैसे सोना, जागना, पढ़ना, लिखना आदि. हम कोई भी काम करते हैं, सो रहे हैं वो भी एक काम है, वो क्रिया है. खाना खा रहे हैं, खाना खाने का काम है, वो भी क्रिया है. हंसना, रोना, बैठना, उठना, ये सब क्या है? क्रिया है. और जो काम अपने आप होता है, जैसे बरसात होना, बरसात को हम करते नहीं हैं, वो अपने आप होती है, लेकिन वो भी क्रिया है. बर्फ़ का गिरना, पल के झपकना, जो काम होता है और जो हम करते हैं वो सब क्या होता है? क्रिया. तो क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द किसी काम का करना या होना बताए उन्हें क्रिया कहते हैं. जैसे सोना, जागना, पढ़ना, लिखना. अब अगला प्रश्न है, क्रिया कितने प्रकार की होती है? एक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे, क्रिया के दो प्रकार होते हैं. कितने प्रकार होते हैं? दो. नंबर एक, सकर्मक क्रिया. अब हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे. सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है. जैसे दादाजी पुस्तक पढ़ रहे हैं. देखो, दादाजी इसमें करता है,
पढ़ना क्रिया है, और इसमें जो पुस्तक है ये क्या है, कर्म। तो जिस वाक्य में कर्म हो क्रिया के साथ वो होती है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। नंबर दो है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न हो उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लता पढ़ रही है, काम करने वाला कर्ता, पढ़ना क्रिया, लेकिन इनके साथ कर्म नहीं है। वो पढ़ तो रही है लेकिन क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही है या कोई और चीज़ पढ़ रही है, तो इसमें कर्म जो है वो नहीं दे रखा। तो ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म होता है क्रिया के साथ, और अकर्मक वो जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। बस इन दोनों में यही अंतर होता है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया के साथ कर्म हो, और अकर्मक जिसमें क्रिया के साथ कर्म न हो। आपने अपनी नोटबुक में भी यही लिखना है और इनको अच्छे से याद करना है। पहली क्रिया की परिभाषा क्या है, हम दोबारा से फिर रिवाइज करते हैं। जो शब्द किसी काम का करना या होना बताए उन्हें क्रिया कहते हैं। याद हो गया, जो शब्द किसी काम का करना या होना बताए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया है। और क्रिया के प्रकार कितने बताए हैं, दो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब आपको ये भी याद हो गया होगा सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वो कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया। बस आज के हमारे टॉपिक में यही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MLP यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर कन्वर्सेशन सेंटेंसेस फ्रॉम 131st। वी हैव डन 130 कन्वर्सेशन सेंटेंसेस कम्प्लीटली। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट योर डेट, मेंशन हेडिंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट सेंटेंसेस, वह हिंदी की पुस्तक पढ़ता है। ही रीड्स हिंदी बुक। ही रीड्स हिंदी बुक। अवर सेकेंड सेंटेंस इज, कृपया अपने नाखून काटो। प्लीज कट योर नेल्स। प्लीज कट योर नेल्स। अवर 133 सेंटेंस इज, इधर उधर मत दौड़ो। इधर उधर मत दौड़ो। डू नॉट रन अराउंड। डू नॉट रन अराउंड। अवर फोर्थ सेंटेंस इज, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। वी शुड ओबे अवर एल्डर्स। आई रिपीट, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स। अवर फिफ्थ सेंटेंस इज, क्या आप चाय लेंगे। क्या आप चाय लेंगे। एक पर्सन वाचक वाक्य है, लास्ट में पर्सन वाचक चिन्ह लगाना है। वुड यू लाइक टी। वुड यू लाइक टी। पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर दिस सेंटेंस। अवर 136 सेंटेंस इज, आप अपने चप्पल बाहर निकालो। आप अपने चप्पल बाहर निकालो। पुट योर स्लीपर्स आउटसाइड। यू पुट योर स्लीपर्स आउटसाइड। अवर 130 सेंटेंस इज, अच्छे से सफाई करो। अच्छे से सफाई करो। क्लीन वेल। क्लीन वेल। अवर 138 सेंटेंस इज, क्या आप मुझे जानते हैं। क्या आप मुझे जानते हैं। डू यू नो मी। डू यू नो मी। अवर 139 सेंटेंस इज, कृपया पंखा चला दो। प्लीज स्विच ऑन फैन। प्लीज स्विच ऑन फैन। अवर लास्ट सेंटेंस इज, हम दोनों खेलते हैं। हम दोनों खेलते हैं। वी बोथ प्ले। वी बोथ प्ले। स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अवर कन्वर्सेशन सेंटेंसेज फ्रॉम 131 टू 140। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेज। प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो राइट दीज सेंटेंसेज इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।
मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रश्मि मैम, योर साइंस टीचर। टुडे आवर टॉपिक इज मैटर। मैटर क्या होता है? पदार्थ। आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, मैटर क्या होता है और उसके स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैटर। इट मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो मैटर होता है, पदार्थ जो होते हैं वो क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका क्या होता है? मास होता है। मास मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जगह घेरता है। जो भी चीज़ें जो जगह घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है वो क्या होती है? मैटर। मैटर इज फाउंड इन थ्री स्टेट्स। जो मैटर होती है, मैटर होता है वो थ्री स्टेट्स में पाया जाता है, तीन अवस्थाओं में, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सॉलिड्स। टेबल्स, चेयर, टॉयज, बुक, पेंसिल, स्पून्स एंड पेपर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। ये सभी किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड का एग्जाम्पल है। सॉलिड मीन्स क्या होता है? ठोस। द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अणु। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं सॉलिड के? क्लोजली पैक, बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं। यहाँ देखो, जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के वो क्या हैं? बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल क्लोज हैं एक दूसरे के। अरेंज इन अ रेगुलर वे, और ये कैसे अरेंज होते हैं? बहुत ही एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल नहीं होता, स्पेस नहीं होता और बिल्कुल क्लोज होते हैं। नेक्स्ट है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड साइज। जो सॉलिड होता है उनकी जो शेप है और साइज है वो फिक्स होता है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था टेबल का। जो टेबल है उसका जो शेप और साइज है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है कैन नॉट फ्लो। जो टेबल होती है वो फ्लो कर सकती है? बहके जाती है या अपने आप चलती है कहीं पे? फ्लो नहीं कर सकती। आर सॉलिड्स आर इजी टू होल्ड। सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं? आराम से पकड़ सकते हैं। आप टेबल को आराम से पकड़ के रिप्लेस कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर। कैन बी कट टू शेप। और हम सॉलिड को जब कट करते हैं, लाइक एप्पल को जब हम कट करते हैं तो फ्रेशली कट होता है, बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ए सॉलिड। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हिंदी का सुलेख। बेटा, आपको अक्षरों की बनावट पर विशेष ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं। पै, पै में छोटे उ की मात्रा, आधा श, पै, कै, ए। पुस्तकें, पुस्तकें सच्चे, श। आधा च, च, ए, सच्चे। मित्र, मैं में छोटी की मात्रा, त्र। मित्र की भांति, भा के ऊपर चंद्रबिंदु, तय, तय में छोटी की मात्रा, भांति होती है। है, है में ओ की मात्रा, तय, तय में बड़ी की मात्रा, है को ढंग से बनाना है आपको, सही ढंग से। उसके बाद पूर्ण विराम। ये हमसे, ये पे ए की मात्रा, ये हमसे, है, मैं, शै, ए हमसे। कुछ, कै, कै में छोटे की मात्रा, छ। कुछ नहीं, ने, है में बड़ी की मात्रा, हिंदी। नहीं लेती, परंतु, तै, रे, अंकी बिंदी, तै, उ। परंतु ज्ञान, परंतु हमें, है मैं, हमें ज्ञान
और विवेक वी वै वै में छोटी की मात्रा वे के विवेक देती है देती है के बाद पूर्ण विराम अच्छी पुस्तकें ए आधा छ में बड़ी की मात्रा अच्छी पुस्तकें से ते के ए अच्छी पुस्तकें बिंदी हमें है मैं हमें कुमार के में छोटे की मात्रा माँ गे के ऊपर रे मार्ग से हटाकर से है ता के रे हटाकर सुमार सू से में छोटे की मात्रा माँ गे के ऊपर रे सुमार की ओर की ओर की ओर जाने की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है रे में छोटी की मात्रा री ते प्रेरित करती है है के बाद पुनर्विराम बेटा देखो तय को ऐसे बनाना तय के है को ऐसे बनाना है मैं दे थैंक यू स्टूडेंट्स। Morning students, today I will start your SST classes online from class 2nd to 5th. Students, today's our topic is transport. Transport means parivahan, yatayat. Dear students, today we will learn about transport and the means of the transport. Let's start. Transport ka meaning kya hota hai? Parivahan ya yatayat. Then, ट्रांसपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी द वे ऑफ मूविंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट यानी कि वो तरीका जिसके द्वारा लोगों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है वो क्या कहलाता है ट्रांसपोर्ट कहलाता है नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं और वो ट्रांसपोर्ट का यूज हम किस वे में करते हैं किस चीज़ को देखकर करते हैं वो बात ट्रांसपोर्ट इज यूज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस टाइप कॉस्ट एंड द साइज ऑफ द थिंग्स दैट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो हम चूज करते हैं कि हम किस ट्रांसपोर्ट द्वारा किस व्हीकल द्वारा हम अपनी यात्रा करेंगे परिवहन करेंगे तो वो क्या किसके द्वारा चूज किया जाता है ये देखा जाता है कि उन दो स्थानों के बीच में डिस्टेंस कितना है टाइप कॉस्ट कितनी लगेगी और साइज जिस स्थान का हम जिस चीज़ का हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसका साइज क्या है ये सारी चीज़ें देखकर हम किसी भी ट्रांसपोर्ट के मींस को चूज करते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट के कितने मींस है कितने प्रकार हैं फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट सेकंड एयर ट्रांसपोर्ट और थर्ड है वाटर ट्रांसपोर्ट अब लैंड ट्रांसपोर्ट जो हमारा है वो लैंड मींस होता है जमीन धरती अब जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर हमारा जो इंडिया है उसका जो हमारी
कंट्री जो है वो कम्प्लीटली रोड नेटवर्क से कनेक्टेड है, मींस रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम कंट्री में कहीं भी आ जा सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है और रोड नेटवर्क बना हुआ है। सेकंड है रेलवे, जो रेलवे है वो इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट ट्रेन है वो 1853 में स्टार्ट की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। इन इंडिया द रेलवे वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। इंडिया के अंदर जो रेलवे है वो किन्होंने स्टार्ट की थी? ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट की थी। और कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। सेकंड है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, यानी कि सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है और ये सबसे ज़्यादा महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी है। ऑल जो मेजर सिटीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, वो एयर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, मेजर सिटीज़। थर्ड है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है। और वाटर ट्रांसपोर्ट किन किन वाटर बॉडीज़ के अंदर किया जाता है? सी है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। सबसे चीपेस्ट मीन्स है ये ट्रांसपोर्ट का, यानी कि बहुत सस्ता है। और हैवी जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटरवे का यूज किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपको ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द टाइप्स या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन मैम, योर इंग्लिश टीचर। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हेल्थ इज वेल्थ टॉपिक। नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस्ड अबाउट English grammar topic, the adjective and its kinds. Let's we start. Define adjective. Adjective क्या होता है? तो a word that describe qualities, add something to the meaning of a noun is called an adjective. Noun की quality को show करने के लिए, describe करने के लिए हम उसमें कुछ words add करते हैं, उसका जो उसका noun का जो meaning निकलता है वो क्या होता है? हमारा adjective होता है। Means noun में, नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड ऐड किया जाता है सेंटेंसेस में, फॉर एग्जांपल रजत इज़ ए स्मार्ट बॉय। अब इसमें रजत हमारा नाउन है और रजत की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या है वो? स्मार्ट बॉय है। तो स्मार्ट बॉय हमारा क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। सेकेंड है हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते, एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं? तो देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं हमारे। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड फिफ्थ है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो फर्स्ट देखिए हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ पर्सन और ए थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वह एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी शो करते हैं किसी भी पर्सन की और थिंग्स की, तो वह क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज होते हैं। फॉर एग्जांपल सी मेक्स ए ब्यूटीफुल सीनरी। हमारा सीनरी हमारा क्या हो गया? सीनरी है हमारा, उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। अब तो हमारा ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब द क्वान्टिटी ऑफ द थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। वह एडजेक्टिव जो कि पर्सन और थिंग्स की जो क्वान्टिटी है उसको डिस्क्राइब करे, तो वह हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। फॉर एग्जाम्पल प्लीज गिव मी सम शुगर। अब इसमें थिंग्स के बारे में क्या कह रहे हैं कि सम, जो ये सम वर्ड हो गया ये हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? द एडजेक्टिव्स विच टेल द नंबर ऑफ ए पर्सन और प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वह एडजेक्टिव जो कि
किसके बारे में बताते हैं? नंबर्स, नंबर्स के बारे में बताते हैं, पर्सन्स के, प्लेस के, थिंग्स के, नंबर्स के बारे में। वो हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल, द चाइल्ड हैज़ 3 बैलून्स। चाइल्ड के पास कितने बैलून्स हैं? 3 बैलून्स हैं। थिंग्स की हमें नंबरिंग बता रहे हैं कि 3 बैलून्स हैं, तो 3 हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? द एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट द थिंग्स और ए पर्सन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वह एडजेक्टिव जो कि हमारे एक पर्सन या थिंग्स का पॉइंट आउट करते हैं, मतलब पॉइंट लगा देते हैं उस पर, तो वो हमारा क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस डॉग इज ए बार्किंग। अब इसमें डॉग है, डॉग के बारे में क्या बता रहे हैं? कि वह कुत्ता काटता है, ठीक है। तो इसमें दिस है, दिस हमारा डायरेक्ट किसको पॉइंट आउट कर रहा है? अभी हमारी पर्संस को या थिंग्स को पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिफ्थ है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? द एडजेक्टिव्स विच आर यूज विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। वह एडजेक्टिव जो कि क्वेश्चन आस्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं नाउन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हाट ड्रेस इज दिस, यह ड्रेस किसकी है? तो इसमें जो व्हाट है ये हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? सिक्स्थ है हमारा लास्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? दिस एडजेक्टिव विच शो देयर पोजिशन ऑन और रिलेशन आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। वह एडजेक्टिव जो कि रिलेशन शो करता है, वह एडजेक्टिव जो कि किसी से रिलेशन शो करता है, किसी पर्सन और थिंग से रिलेशन शो करे, वह हमारा क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माय वाटर बॉटल। यह मेरी क्या है? वाटर बॉटल है, हमारी वाटर बॉटल है। ये क्या होगी? हमारी थिंग्स होगी, और इससे डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है माई, मतलब यह मेरी वाटर बॉटल है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। एंड आज का हमारा टॉपिक क्लियर होता है। एंड थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस फॉर कर्सिव राइटिंग। सो लेट स्टार्ट। तानु वॉज अ हैप्पी girl she did not let little things in life upset
और बोट वन डे समथिंग happened to her. Each seemed like everything had gone wrong first she forgot her homework. So students, please do one page of writing in your writing notebook. Thank you, students.